हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो है बेलेमो का जो है एक आप लोग देख सकते हैं डैम्पर का एक्चुएटर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल से देखने वाले हैं कि ये जो बेलेमो का एक्चुएटर है कैसे ओपन क्लोज होता है, इसका जो इसका है कनेक्शन वगैरह जो है कैसे हुआ है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा ये जो है मॉडल अगर आप लोग देखेंगे SM230AS है, यानी ये जो है इसके अगर आप लोग मॉडल देखेंगे तो मॉडल से ही पता चल जाता है ये 230 पे क्या होता है, ओपन क्लोज होता है। सिंपल सा इसमें सप्लाई जो है ये 230 डाला जा रहा है। इसमें जो है कि हमारा मॉड्यूलेटिंग जो है नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे 100 से लेके 200 तक इसमें डाल सकते हैं, और और 20 से बीस न्यूट्रल मीटर का आप लोग देखेंगे तो इसका टर्क है, और ये 120 से 40 आप लोग देखेंगे। और इस पे जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 वोल्ट ए है, एम्स है, और ये 2.4 वाट इसका जो है कैपेसिटी है। तो तो ये ये एक्चुएटर जो है बेसिकली में मॉड्यूलेटिंग के लिए नहीं है, इसमें जो है हम लोग मॉड्यूलेट नहीं कर सकते। मॉड्यूलेटिंग का मतलब क्या है कि हम लोग इसको जो है जहाँ पे 10%, 20%, 50% पे ओपन क्लोज करना है वहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है कि 100% ओपन, 100% क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए जो है ये जो है लगा हुआ है। ये फ्लोटिंग मोड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे सिंपल सा, तो इसमें 1, 2, 3 आप लोग देख सकते हैं, एक में न्यूट्रल है, दो में जो है फेज हम लोग लेके आके डाल देते हैं 230 वोल्ट। 230 वोल्ट पे ये ओपन क्लोज होता है। वही जो है ये जो है एंड स्विच है, स्विच जो है एंड स्विच आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है कि ये स्टेटस देता है कि डैम्पर जो है क्लोज है या ओपन है, उसका स्टेटस हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो ये इसके लिए सेटिंग यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो दिया हुआ है, इसमें S1 अगर आप लोग देखेंगे, और यहाँ पे S1 ये कॉमन होता है। अगर जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एरो मार्क आप लोगों को दिख रहा होगा, ये S1 साइड में इस साइड में सेलेक्ट किया हुआ है, एक जो है उधर आप लोग देखेंगे सेलेक्ट किया होगा, तो इधर सेलेक्ट किया हुआ है, यानी 3 इसमें NC मिलेगा, S2 जो है हमारा NO मिलेगा, इधर सेलेक्ट किया हुआ है, यानी डैम्पर जब ओपन होगा तो हमारा स्टेटस मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस साइड में क्या होगा कि कॉमन जो है आप लोग देख सकते हैं S2 है, तो ये NC3 मिलेगा, हम लोग को S2 चाहिए NO, तो उस टाइम में ये स्टेटस मिलेगा। अगर इधर रखेंगे तो क्या होगा, S2 जो है हमारा आप लोग देख सकते हैं NC मिलेगा, S3 जो है NO मिलेगा। तो ये सेटिंग जो है सिर्फ स्टेटस के लिए किया जाता है। वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग एक सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 0, 1 0 जो है दिया हुआ है, तो 1 0 जो है ये डैम्पर को ओपन क्लोज के लिए की जो हमारा इसमें सप्लाई देते हैं तो डैम्पर का स्टेटस क्या होगा, 0 पे रहेगा, तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे रहेगा तो ये ओपन रहेगा। अभी जो है ये साइन आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इंडिकेटर है इसका, तो 0 पे है तो ये ओपन रहेगा। अगर वहीं जो है 1 पे रहेगा तो ये क्लोज होगा, मैं आप लोग को ओपन करके भी दिखाऊंगा। 1 पे जो होगा यहाँ पे आएगा, 1 जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1 यहाँ पे जो है दिया हुआ है, तो उस टाइम में जो है ये क्लोज होगा। और ये जो है मैनुअल जो है हम लोग इसको ओपन क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे इसको प्रेस करके हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो ये मैनुअल जो है हमारा ओपन क्लोज होगा। अगर पावर नहीं रहता है या किसी कारण से इसमें इसमें पावर है तो यहाँ से हम लोग प्रेस करके क्या करेंगे चाहेंगे तो इसको मैनुअल जो है ओपन कर सकते हैं, लेकिन जैसे छोड़ेंगे ये जो है फिर क्लोज हो जाएगा। लेकिन कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं मैनुअल जो है ओपन करना है, मान लीजिए इसमें पावर नहीं है किसी कारण से, तो मैनुअल हम लोग प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। सिंपली जो है ये जो है नॉन रिटर्न होता है, अगर जो है पावर लॉस होता है तो ये जो है उसी पोजिशन में रुक जाएगा। अगर पावर हमारा इसमें से लॉस होता है तो ये जो है रिटर्न जो है क्लोज नहीं होता है, अगर ओपन रखेंगे तो ओपन ही रहेगा, क्लोज रखेंगे तो क्लोज ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर जो है इनकेस पावर लॉस हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है, उस उस टाइम टाइम में में जो है इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। सिंपल सा ये आप लोग देखेंगे ये जो है क्लोज हो रहा है, तो मैनुअल के लिए ये प्रेस करके हम लोग को ओपन क्लोज करना है। इसका जो है मैं सेटिंग भी आप लोग को दिखाऊंगा, ये 0 पे आप लोग देख सकते हैं, इसका इंडिकेशन अभी जो है ऊपर जाएगा, मैं इसको भी खोल देता हूँ, खोल के जो है आप लोग को दिखाता हूँ, तो आप लोग को जो होगा पूरा डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा जब आप लोग लाइव देखेंगे इसका जो है काम कैसे कर रहा है, तब आप लोग को जो है। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ओपन है, आप लोग देख सकते हैं ये अभी ओपन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 0 पे है, तो 0 पे है तो ये ओपन है। अभी जो है ये जो है 0 पे डाला हुआ है, यानी इसमें हम लोग पावर डालेंगे तो 0 पे रहेगा, तो ये ओपन रहेगा। इसको जो है हम लोग 0 पे डाल, अभी 1 पे डालेंगे तो ये जो है इसका पोजीशन अभी 0 पे है, आप लोग देखेंगे थोड़ा टाइम में यहाँ पे जो 1 है इस पे ये आ जाएगा, ये जो है अभी क्या होगा ओपन होने लगेगा, तो ये रिवर्स फॉरवर्ड होता है। अगर हम लोग 0 रखेंगे
तो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो वन पे जाएगा, ये क्या होगा क्लोज होगा। जीरो पे जो है ये ओपन था, अभी जो है वन पे जाएगा तो ये क्लोज होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये जो है क्या होगा कि हम लोग जो है जीरो पे रखेंगे, ये रिवर्स फॉरवर्ड। जीरो पे क्या होता है फॉरवर्ड, ऐसे जो है डैम्पर जो है अगर आप लोग देखेंगे ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ये जो है क्लोज हो जाएगा। तो ये जो है वन पे जाके क्लोज हो जाएगा। आप लोग थोड़ा टाइम में देखेंगे ये जो है फुल्ली क्लोज हो जाएगा। तो जीरो जीरो पे ये ओपन होगा, जीरो पे अगर हम लोग रखेंगे तो ओपन रहेगा पावर डालेंगे तो, और अगर वन रखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसका सेटिंग हम लोग करना पड़ता है। सिर्फ जो है मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम में अगर आप लोग देखेंगे ये जो है धीरे धीरे जो है फुली क्लोज हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो वो जो है थोड़ा टाइम में हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे जो है सेटिंग आप लोग को क्या करना है कि अगर आप लोग को जो है ओपन करना है तो जीरो पे ये हमारा जो है ऊपर की तरफ खुलेगा। आप लोग देखेंगे अभी जो है ये लगभग जो है अगर आप लोग देखेंगे क्लोज हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंडिकेटर है, यहाँ पे आएगा थोड़ा टाइम में। इसमें जो है टाइम लेता है लगभग 2 से 2.5 मिनट लगभग जो है टाइम लगता है। ये जो है बहुत स्लो जो है थोड़ा ओपन क्लोज होता है, इसके लिए इसमें टाइम लगता है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे इसका सेटिंग आप लोग को समझ में आ गया। ये जो है हम लोग स्टेटस लेते हैं, तो ये अगर जो है क्लोज होगा तो उसका स्टेटस, ओपन होगा उसका स्टेटस चाहिए तो हम लोग इधर सेटिंग कर लेते हैं। NONC जो है जिसका जो है हम लोग को लेके जाना है, यहाँ पे जो है S1 में हम लोग कॉमन डाल देते हैं, और 2 और 3 में जो भी हम लोग यूज करेंगे इसमें NONC के लिए उसका जो है हम लोग कनेक्शन इसमें जो है दोनों में कनेक्शन डाला हुआ है। ये ऑलरेडी जो है या ये जो है मेंटेनेंस फ्री होता है, ये डैम्पर जो होता है मेंटेनेंस फ्री होता है। इसमें जो है वायर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है कहीं पे TV वगैरह में डायरेक्ट जो है कनेक्ट करते हैं, ये ओपन भी हम लोग को नहीं करना पड़ता है। जो वायर है इसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो है अगर हम लोग 2 यूज करना है NONC उसके हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पर सप्लाई हम लोग डाल कर रखेंगे, इसमें जो है इसमें कॉमन सप्लाई डाल देंगे, इसमें जो है हम लोग एक एक वायर लेकर जाएंगे और इसका सेटिंग जैसे चाहिए जो भी हम लोग पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं स्टेटस के लिए, कि क्लोज हो तो स्टेटस मिले या ओपन हो तो स्टेटस मिले, उसी के हिसाब से हम लोग NONC यहाँ से ले लेते हैं। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे ये फुल्ली जो है आप लोग देख सकते हैं क्लोज हो गया, ये जो है लगभग फुल्ली क्लोज हो गया, ये जीरो पे आ गया। सिर्फ जो है हम लोग यहाँ पर सेटिंग जो है अभी क्या करेंगे, ये नहीं है सॉरी, आप लोग एक जो है यहाँ पे डाले, अभी जो हम लोग जीरो पे डाल देंगे, इसको जीरो पे डालेंगे। ये जो है काम करेगा कब, जब इसमें पावर अवेलेबल रहेगा। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये फिर क्या हो रहा है ऊपर जाने लगा, और ये एंड स्विच है आप लोग देखें यहाँ तक लास्ट जो है आके रुका हुआ था, अभी जो है नीचे एंड स्विच अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर है तो यहाँ पर आके रुकेगा। ये जो है ऊपर से पूरा घूम के यहाँ पर, ये जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। जैसे जो है हमारा फुली ओपन होता है यहाँ के रुक जाता है। एंड स्विच जो होता है इसका जो है ये रुकने के लिए ही यूज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये जीरो है ये वन है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है क्या होगा कि फॉरवर्ड ओपन होगा, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये जो है ऐसे जो है ऐसे डैम्पर जो है घूमेगा, ये हम लोग जैसे सप्लाई डालेंगे ऐसे घूमेगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, पहले इधर से ऐसे जा रहा था, अभी जो है ये ऐसे खुलेगा। तो ये जो है इसमें सिंपल सा क्या होता है क्लोज होता है कैसे एंटी क्लॉक में, और ओपन जो होता है क्लॉक वाइज में। सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं ये, इसको मैनुअल अगर हम लोग को ओपन क्लोज करना है तो सिंपल सा ये प्रेस करेंगे, आप लोग देख सकते हैं ऐसे हम लोग कर देंगे। अभी ये जीरो पे हो गया आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो है इसमें पावर अवेलेबल है। तो ये फिर क्या होगा, इसका जो है ऑलरेडी जो है सेटिंग जीरो पर डाला हुआ है, ये जो है जीरो पे डाला हुआ है, तो ये 100% ओपन रहेगा जैसे हम लोग सेटिंग करेंगे। तो अभी हम लोग ओपन कर लिए तो इसमें जो है पावर है, अगर पावर लॉस हो जाता है तो ये क्या होगा कि यहाँ पे रुका रहेगा। मान लीजिए अभी इसमें पावर है तो ये हम लोग 100% ओपन करके रखे हैं, तो इसको जो है मैं क्लोज कर देता हूँ मैनुअल। तो आप लोग देखेंगे मैनुअल जैसे मैं क्लोज किया ये क्लोज हो जाएगा, ये प्रेस करके हम लोग को करना पड़ेगा, ये जो बटन है प्रेस करके हम लोग ऊपर, लेकिन ये बाद में खुलने लगेगा क्योंकि इसमें पावर अवेलेबल है। तो कहीं भी डैम्पर वगैरह होता है अगर उसको जो है हम लोगों मैनुअल जो है ऑपरेट करना है तो उसका पावर जो है हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, मेन पावर अगर डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये जो है काम नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ से अगर हम लोग को पावर लॉस हो जाता है या कोई भी कारण से, मान लीजिए पावर हमारा
लॉस हो गया है किसी भी कारण से, अगर हम लोग को मैनुअल ओपन करना है, प्रेस ये जो है प्रेस करेंगे और इसको जो है हम लोग घुमाएंगे, इसमें जो है स्टेबल करने के लिए कुछ कोई ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन पावर लॉस होगा तो ये इजीली हम लोग ओपन कर सकते हैं, सिंपल सा है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि कंट्रोल वगैरह लॉस होता है या किसी कारण से जो है नहीं घूमता है, तो उस टाइम में हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन पावर को जो है रिमूव करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो है अगर पावर रहेगा तो ये ओपन ही रहेगा, क्योंकि ये जो जो है है नॉन स्प्रिंग रिटर्न है, यानी इसमें क्या होगा कि जिस जिस पोजीशन में पावर सप्लाई जाएगा उसी में रह जाएगा। मान लीजिए ये क्लॉज है और जो है हमारा पावर सप्लाई गया तो ये क्लॉज में ही रह जाएगा, तो उस टाइम में जो है हम लोग को आ करके खोलना पड़ेगा। अगर ये चालू है तब तो अगर पावर लॉस होता है तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है, वो उसी टाइम पर उसी जगह पर रुका रहेगा, लेकिन जब क्लॉज रहेगा उस टाइम में अगर हम लोग को क्या करना है आ करके मैनुअल प्रेस करके इसको ओपन क्लोज करना पड़ेगा जिस भी पर्पज़ से हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें जो है लगभग आप लोग को जो है पूरा डिटेल से पता चल गया होगा ये डैम्पर के बारे में, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इसका सप्लाई कनेक्शन वगैरह जो है फुल डिटेल से पता चला होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।